सो हेलो गाइस, पहले तो आप ये देख लो और फिर मुझे देख लो। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका भाई सिंह वापस एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस ये देख के आपको मालूम ही पड़ गया रहेगा, बारिश का महीना तो हो चुका है चालू और इसी के साथ साथ मुंबई की पूरी गर्मी भी निकाल चुका है। एंड सैटरडे से जो बारिश हो रही है गाइस लगातार हो रही है और अभी जाके थोड़ा क्लाइमेट थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन बारिश फिर भी आएगी क्योंकि बारिश वाला एक क्लाइमेट है गाइस। बाकी विरार क्या हालत दे सकते हो कि वहाँ बाहर ही रिसोर्ट बनना चालू हो चुका है गाइस, एक झलक देख लो। और यह सच कहते हैं कि विरार में बाहरी रिसोर्ट बन जाते हैं बारिश के टाइम पे। तो ये रियल है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अभी और भी दिखाऊंगा आपको कि विरार का क्या हालचाल है बारिश के टाइम पे। बाकी आज का वीडियो जो बनाने जा रहा होगा, मानसून के इस मंथ में महीने में मैं जा रहा हूँ लोनावला ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ में। सुबह सुबह निकल चुका हूँ तो बस वहीं जा रहा हूँ और आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि गाइस लोनावला का क्या व्यू हो चुका है हल्की सी बारिश में ही। तो वीडियो में बने रहो, एंजॉय बनता चैनल पर, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं फैमिली। बाकी चलो चलते हैं, जल्दी जल्दी पहले अंधेरी पहुंचते हैं बिकॉज अभी तो मैं विरार में हूँ। मेरे जो भी मेरे साथ बंदे लोग आ रहे हैं सब मुझे अंधेरी में मिलेंगे, कोई को मुझे अरोलिया मिलेंगे और बाय रोड बाइक से जाने वाले हैं इनके, ट्रेन से आने वाले, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो पहले फटाफट चलते हैं अंधेरी पहुँचते हैं, फिर आपको वहाँ पर दिखाता हूँ मैं कि हम कैसे जाने वाले हैं। तो वीडियो में रास्ते बने रहो, बहुत मजा आएगा। बाकी जो बंदा नहीं हुआ चैनल पर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूलना नहीं। बाकी चलो चलते हैं, मिलते हैं जल्दी से, ढेर सारी बातें करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या क्लाइमेट हो चुका है। तो बने रहो गाइस। सो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ अंधेरी और मुझे मिला संतोष, अपने यूनिट का लड़का है। बाकी के लोग अभी एरोली में खड़े, कोई घाटकोर में खड़ा, तो डायरेक्ट हम लोग मिलने वाले हैं एरोली में। तो फटाफट अपनी ब्लूबेरी को ले लिया हूँ, पोचूस लिया हूँ और ये धूप चढ़ गया तो थोड़ा अच्छा लगेगा मौसम गाड़ी चलाने में, लेकिन लोनावला का वातावरण कैसा है वहीं जाके मालूम पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहो एंड चेक करो गाइस। गाइस हम आ चुके हैं एरोली और ये रहा, ये जो बंगलो देख रहे हैं इसमें हमारा बॉस रहता है जो अभी तक आया नहीं है। बाकी अंधेरी से निकल के डायरेक्ट एरोली पहुंच चुके हैं, यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट अपने ट्रिप की ओर। बाकी हमारी पल्टर, इनको तो तुम देख चुके हैं रेड टी शर्ट अंधेरी में। बाकी ये दो को विराट कोहली के डुप्लीकेट चश्मा पहने अभी सुना की क्या बोला तूने, शिखर धवन बाल आ गया इनको। बाकी मैं, बाकी एक दो फंडर ना हो रहे लेकिन अभी लोग आजू बाजू में कुछ बंदोबस्त करने में घूम रहे, तो फटाफट अभी सर के आने का वेट कर रहे। सर के आते ही निकलेंगे गाइस अपने ट्रिप की ओर। तो चलते गाड़ी में आपको ज़्यादा तो दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन अच्छे अच्छे व्यू जरूर दिखाऊंगा गाइस आपको जो देखने लायक हो सकता है। बाकी फिर मिलेंगे आपको डायरेक्ट विला में और वहाँ करेंगे एंजॉय। तो बने रहो। फिलता मैकेनिक है हमारे साथ। तो फाइनली पब्लिक अब निकल चुके हैं बाय रोड अपनी ब्लूबेरी पे एंड मैं पीछे बैठा हूँ बिकॉज मैं इस बाइक जो ड्राइव कर रहा हूँ उनके पीछे बैठ कर शूट कर रहा हूँ और आपको जितना हो सके उतना आपको व्यू दिखाऊंगा पूरे रास्ते में का लोनावला पहुँचने तक। बाकी हमारे ड्राइवर भी कूल, हम भी कूल, बाकी के पब्लिक आगे जा चुकी है। तो फटाफट मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ गाइस कि रास्ते में क्या क्या दिखने मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो बने रहो एंड देखते रहो पब्लिक एंड आओ आप भी। तो जय बाय। Of grey.
I've been going tired again and time again. I hope that you will see my heart too, but you don't remember me like I remember you. मालूम पड़ रहे हैं कि लोनावला में मौसम में गड़बड़ी है, धूप के साथ वहाँ पे बारिश भी है। और पहुँचने के बाद मालूम पड़ेगा गाइस, बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया था हमारे जितवाने में, तो वगैरह हमें थोड़ा लेट हो गया, जबकि एक बजे का चेकिंग था मालूम आपके बिला में, बट यहाँ पे अभी 3 बज चुका है। फिर भी 3:30 या 4 बजे तक पहुँच जाएंगे अपने लोकेशन पर। बाकी वहाँ मिल गया आपको, मतलब दिखाते हैं, बाकी बने रहो एंड व्यू का मजा लेते रहो गाइस। तो वीडियो बनने वाली है बहुत लंबी, तो इसका सेकंड पार्ट तक का वेट करना गाइस। बाकी चेक करो पब्लिक अपना ट्री।
Finally, public. क्राउड होती है और मॉनसून के महीने में सबसे ज़्यादा हिल स्टेशन अगर चेक किया जाए तो खंडाला घाट को ही चेक करते जो नॉर्थ
लोनावला के यहाँ पे काफ़ी फेमस है। बाकी यहाँ व्यू बारिश के टाइम पे कुछ और ही देखने मिलता है। बस जुलाई के महीने में देखना गाइस, अब तो जून स्टार्ट है, लेकिन जब बारिश दंदना की होगी तब यहाँ तो अलग ही मज़ा देखने मिलेगा। बाकी ना लगा तो चलो चलते हैं फटाफट, थोड़ा और व्यू का इंजॉय करते हुए अपने मंजिल की ओर। तो बने रहो पब्लिक। लोनावला शहर में, और लोनावला यार सच में बहुत प्यारा है। और हमारे शहर ने शायद बहुत ही अंदर साइड में मिला किया है, जहाँ पर बहुत सारे रिसॉर्ट देखने मिले बैठे जो है, और ही दो तीन रिसॉर्ट देखने मिले बड़े बड़े एकदम। बाकी यार बहुत अच्छा है यहाँ का, मतलब मार्केटिंग परिसर एरिया बहुत प्यारा है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि लोनावला इतना फेमस क्यों है यार। बाकी अभी कुछ समय में हमारा भी प्लेस आने वाला है, तो देखो यार। बाकी यार सच में बहुत प्यारा है लोनावला सिटी, और वातावरण नेचर तो एकदम प्यारा है यार, पानी हवा। Years later. Finally guys, हम लोग आ गए अपने विला पे। चेक कर सकते हो अपने गाड़ी पार्किंग अभी जगह यहाँ पे। बाकी अपना स्विमिंग पूल, बाकी अपना विला बाहर से कैसे दिखता है, ये सब चेक करने के लिए आपको गाइस इसका सेकेंड पार्ट देखना पड़ेगा। बाकी वीडियो मुंबई टू लोनावला राइड कैसा लगा जरूर बताना। बाकी सेकेंड पार्ट के लिए वेट करो गाइस, पूरे विला का ट्रिप आपको इस वीडियो में दूंगा। बाकी जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जल्दी मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तो बने रहो पब्लिक, और थोड़ा फ्रेश होते हैं, तो बने रहो गाइस एंड वेट करो सेकेंड पार्ट का। तो टेक केयर।